अंदाज में हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अगेन आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। और आज वाला जो होम रेमेडी है वो कर्ड से फेशियल करना है, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। वैसे भी दही के फायदे कौन नहीं जानता यार, दही के फायदे तो सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि गर्मियों में दही हमारी बॉडी के लिए क्या है, एकदम रामबाण है। तो मैं आज दही से अपना पूरा फेशियल करने वाली हूँ और इसी का मैं फेस पैक बनाकर अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। और इसको आप लोग कंटिन्यू अगर 15 दिन करते हो तो आपके फेस पर जो टोन है ना अपने फेस का बहुत अच्छा होने वाला है। दाग धब्बे जो हो जाते हैं ना वो भी हटा देता है। तो इसको 15 दिन तक आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को 100% आप लोगों के फेस पर जो भी इफेक्ट है ना अलग से ही पता चलने लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्लीन अप कर लेती हूँ और फेशियल इसी से मैं करने वाली हूँ। और अगर आप लोग चाहो कि दही में मिलाना चाहो तो आप लोग हनी ऐड कर सकते हो, और हनी नहीं है अगर आप लोग के पास तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा तो खुद ही एक नेचुरल प्लांट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। और दही आप लोगों से मैं कहूंगी कि घर का बना दही हो वही वाला यूज करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मार्केट की दही में सिंगाड़े का आटा मिला देते, मिल्क पाउडर भी मिला देते है ना, इस वजह से अगर घर का ही दही हो तो अच्छा है। गाढ़ा या पतला जैसा हो आपके घर का ही दही होना चाहिए। और आप लोग जिस मतलब लिक्विड लेना चाहो, ज्यादा लिक्विड वाला जो दही आता वो ले सकते हो, गाढ़ा वाला दही लेना चाहो तो जैसे आपकी मर्जी हो आप वो ले सकते हो। तो जब पहले फेस वॉश करती हूँ इसके बाद मैं अपना फेशियल करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। तो मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं दही से फेशियल कर रही हूँ। तो मैं हाथ मैं थोड़ा सा दही ले लेती हूँ और इसी में मैं एक या दो ड्रॉप एलोवेरा जेल की डाल लूंगी और इसी को मैं अच्छे से हाथ में ही मिक्स कर लूंगी और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस पे पूरा लगा लूंगी। तो देखिए इस तरीके से लगाना है और यहाँ सामने मिरर है ना तो मैं यही देख के लगा रही हूँ। आज मैं अपना ब्लॉग ना बिल्कुल मिरर के पास खड़े होके ही बना रही हूँ। तो बहुत अच्छे से दही लग चुका है फेस पे और अच्छे से इसको मसाज करना है और जो भी अपने फेस के पॉइंट होते ना बहुत अच्छे से दबा दबा के करना है और पूरा ना उंगलियों से अच्छे से मसाज करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही करना है एकदम। और नोज के पास भी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं ना तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से हो जाएंगे। तो अच्छे से एकदम मसाज करनी है और डार्क सर्कल भी जिनको है ना वो लोग भी बहुत अच्छे से करना तो डार्क सर्कल भी कम हो जाते हैं इससे। तो देखो बहुत अच्छे से मसाज करनी, और जब ना ऐसे मसाज करते करते हाथ दर्द होने लगे ना तो आप लोग ऐसे कर लेना क्योंकि ये वाला हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये दर्द होने लग जाता है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ कि आप लोग ऐसे से 2-3 मिनट में करते रहना तो उससे क्या होगा ना कि आपकी उंगलियों में और थोड़ी सी ताकत आ जाएगी करने की। तो देखो बहुत अच्छे से इसको करते रहना एकदम, कम से कम 5 मिनट तक आप लोगों को अच्छे से फेशियल करना है, पूरे फेस पे करना और नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नेक पर भी करना है क्योंकि नेक नहीं करोगे ना तो नेक का टोन और फेस का टोन डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। तो नेक और फेस दोनों को बहुत अच्छे से करना है और बिल्कुल ना एकदम वजन नहीं देना एकदम कि फेस पे बिल्कुल रगड़ रगड़ के करना, बिल्कुल जो हल्के हाथ होते हैं ना बिल्कुल एकदम हल्के हाथ भी नहीं करना है और एकदम टाइट हाथों से भी नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से करना है और बहुत अच्छे से करना है। फेस के हर पोर्स को बहुत अच्छे से प्रेस कर करके एकदम मसाज करना है। बहुत अच्छे से हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से हल्के हाथों की हेल्प से पूरा मसाज कर लिया है। ये देखो तो मैं सबसे पहले फेस अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर वॉश कर लिया है मैं इसको। तो मैंने फेस अच्छे से साफ कर लिया, अब मैं बना लेती हूँ फेस पैक क्योंकि मुझे फेस पे लगाना है। तो फेस पैक के लिए क्या यूज करने वाले हैं, ये है आटा,
जिससे हम रोटियां बनाते हैं वो आटा है और ये रहा दही। तो हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा पतला सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसमें 2 स्पून कर्ड डाला हुआ है और इसका अच्छा सा पतला सा पेस्ट बना रही हूँ। पहले मैं बना लेके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। घर का ही दही है, जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और फेस की ना बहुत अच्छे से मसाज कर लेती हूँ ना, तो बहुत प्यारा फेस लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है एकदम फेस। और मेरा पेस्ट बन चुका है, अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगी। देखो बिल्कुल हल्के हाथों से फेस पे बहुत अच्छे से इसको लगा लेना है। और देखो हाथों की हेल्प से अगर लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कितना टाइट हाथ रखना है, कितना ढीला हाथ रखना है वो आपको पता चल जाता है। अगर आप स्पून की हेल्प से लगाओगे या ब्रश की हेल्प से लगाओगे ना तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, पर हाथों की हेल्प से लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लगने वाला है। आधा मैं कैमरा में देख के लगा रही हूँ और आधा मैं मिरर में देख के लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैं मिरर के पास खड़ी हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। फेस पर अच्छे से फेस पैक लगा लिया है और अब मैं इसको भी अच्छे से मसाज करूंगी। देखो जब फेस पे ना मतलब अच्छे से मसाज करोगे ना आप, तो जो भी अपने फेस पे डेड स्किन होगी ना वो सारे रिमूव हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है ना कि धूप वगैरह ज्यादा पड़ने से हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो थोड़ा सा फेस जो होता है ना वो काला काला सा दिखने लग जाता है। तो उससे क्या होगा ना कि अगर अच्छे से मसाज कर लोगे तो ब्राइटनिंग आने लग जाएगी फेस पर अच्छे से, और दाग धब्बे तो हट ही जाते हैं क्योंकि दही खट्टा होता है, तो खट्टी चीजों से तो वैसे भी दाग धब्बे जल्दी हट जाते हैं। और इसको भी पूरे फेस पे 5 मिनट तक अच्छे से करना है। कितना ठंडा होता है ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ना आप दही से मसाज करोगे ना तो पूरे फेस के अच्छे से मालिश के साथ साथ सारे पोर्स भी ओपन हो जाएंगे और फेस में एक ठंडकपन सी भी आ जाएगी। तो मैंने अभी 5 मिनट हो चुके हैं मेरे फेस पैक लगाकर अच्छे से मसाज करने के लिए, तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ पहले, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया और देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा फेस एकदम, मतलब जो ब्राइटनिंग होती है ना वो आने लगी है और वैसे भी जो फेस की टैनिंग थी ना वो रिमूव होने लगी है। और इसको 15 डेज तक आप लोग करोगे ना तो फेस के जितनी भी टैनिंग होगी, डेली डेली हम लोग क्या होता है मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और धूप में जाते हैं, तो उसमें से टैनिंग फेस पे बहुत ज्यादा हो जाती है। और अभी हम लोग घर में है तो बहुत अच्छे से अपने फेस का हम लोग केयर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो अभी वैसे भी हमको कहीं जाना नहीं है तो अभी हम लोग अपने फेस की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। और ये वाली होम रेमेडी जो मेरी है वो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो ये होम रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मेरा ऐसे कोई नए वीडियो आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।